दोस्तों, कभी कभी हम सब की लाइफ में एक समय ऐसा भी आता है जब हम सबको लगता है कि सब चीज़ डाउन हो गया, सब चीज़ ख़त्म हो गया, सब चीज़ नीचे आ गया, एकदम से सब चीज़ ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं लाइफ में करने, कुछ है ही नहीं लाइफ में, कुछ है ही नहीं। लेकिन दोस्त, और अचानक से हमारी लाइफ में सकारात्मक सोच आना बंद हो जाता है, हमारे विचार में सकारात्मक सोच आने बंद हो जाते हैं और हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में चारों तरफ नकारात्मक सोच घेर लेता है, हम नकारात्मक सोच में घिर जाते हैं। दोस्तों, बहुत से प्रॉब्लम आते हैं आपके लाइफ में, फैमिली प्रॉब्लम हो गया, घर का प्रॉब्लम हो गया, पैसों का प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही जानकारी देने की कोशिश करेंगे जिससे शायद आपके आपके अपने जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ सीख लेने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लाइफ में कुछ प्रेरणा मिल सके शायद इस वीडियो से। दोस्त, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, उसे धर्म ग्रंथ पढ़ना जैसे बोरिंग सा लगने लगता है। दोस्तों, आज की हमारी युवा पीढ़ी को धर्म के बारे में जानना, धर्म के बारे में जानकारी रखना, उनके बारे में पढ़ना, अपने जीवन में सीख लाना सब बोरिंग सा लगने लगता है। दोस्त, आज हम इस वीडियो में जिस बारे में बात करेंगे उस बारे में आप सब जानते हो, आप सब लोग जानते हो उस बारे में, जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ना इस वीडियो में, उस बारे में आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आप अनजान हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी हमें देख रहे हैं, हमें पता है लेडीज़ महिलाएँ भी हमारा वीडियो देखती हैं, भले ही संख्या कम हो, 4% हो, लेकिन 4% भी मायने रखता है। तो हम हनुमान जी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे इस कलयुग में देवता हैं जो सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से हनुमान जी एक हैं। दोस्तों, हनुमान जी इस कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो सबसे जागृत देव कहे जाते हैं, सबसे जागृत देवता अगर कोई इस कलयुग में है तो हमारे हनुमान जी हैं। दोस्त, हनुमान जी की भक्ति तो आप सब करते हो, हम सब करते हैं हनुमान जी की भक्ति, हम सब हनुमान जी की भक्ति करते हैं, लेकिन दोस्त, क्या आपने हनुमान जी के जीवन के बारे में जानने की कभी कोशिश की, कभी जाना हनुमान जी के बारे में, जाना उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश की आपने? नहीं। इसमें से अधिकांश लोग यही कहेंगे, नहीं, हमने कभी कोशिश नहीं की, हम सिर्फ भक्ति करते हैं और भक्ति करते आए हैं, हमेशा अब तक करते आए हैं और करते रहेंगे। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने उनके जीवन के बारे में जानकर उनके जीवन को अपने जीवन में कि मैं अमल में लाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के बारे में। दोस्तों, हनुमान जी ऐसे भक्त थे जो भगवान श्री राम के निस्वार्थ भक्ति की, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। दोस्तों, हनुमान जी ने राम, जो लंका में युद्ध हुआ था रावण के साथ, उस युद्ध में हर पल भगवान राम की सेवा की, युद्ध खत्म होने तक भगवान राम के साथ कदम से कदम मिलाकर हनुमान जी चलते रहे। हर पल हनुमान जी ने भगवान राम का साथ दिया, कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, कभी अपने भक्ति में कमी नहीं दिखाई, हमेशा अपनी भक्ति करते रहे भगवान राम का, वो भी निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं था। दोस्तों, भगवान राम का जब जीत हुआ ना, तो उस जीत का श्रेय भी भगवान हनुमान ने, हमारे हनुमान ने श्री राम, भगवान राम के आशीर्वाद को दिया, भगवान श्री राम के आशीर्वाद को दिया उस युद्ध का श्रेय भी। दोस्त, हनुमान जी ने कभी भी श्रेय लेने की कोशिश नहीं की, कभी उनका स्वार्थ था ही नहीं भक्ति के अलावा, एकदम निस्वार्थ भगवान श्री राम की भक्ति और सेवा करते रहे। लेकिन दोस्त, इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, हम आज इस कलयुग में, आज हम इंसान इस कलयुग में किसी की मदद भी कर देना हम लोग, तो उसमें भी हम लोग स्वार्थ ही होता है, उसमें भी आप लोग स्वार्थ ही होता है। दोस्त उसमें भी आप लोग स्वार्थ होता है। भक्ति में
जैसे भक्ति हो गया, भक्ति आप करते हो लेकिन उस भक्ति में भी आपका स्वार्थ होता है, उस भक्ति में भी आपका स्वार्थ होता है। आप दुख में तो भगवान सबको याद आ जाते हैं, दुख की घड़ी जब आती है तो आप सबको भगवान याद आते हैं, लेकिन दुख खत्म होते ही आप भगवान को भूल जाते हो, आप भगवान को भूल जाते हो, और दुख आते ही आप मंदिर के चक्कर लगाने लगते हो, पूजा करने लगते हो, तरह तरह के भगवान को लालच देने लगते हो कि हमारा एक काम हो जाएगा तो एक कर देंगे, वो कर देंगे, मंदिर बनवा देंगे, मतलब दान क्या क्या नहीं करते हो। जब दुख आता है तभी, सुख में नहीं। दोस्तों, भगवान की भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में कभी स्वार्थ होना ही नहीं चाहिए, एकदम निस्वार्थ। अगर भक्ति करनी ही है, अगर आपको ईश्वर की भक्ति करनी है तो एकदम निस्वार्थ भक्ति करो, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप किसी की सहायता भी करो ना, उसमें भी आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर मान एक तो आप किसी की सहायता करते हो उसमें आपका स्वार्थ होता है, अगर स्वार्थ नहीं भी होता है ना तो आपको अहंकार आ जाता है कुछ समय के बाद कि हमने उसका सहायता किया, आप अपने अहंकार में आ जाते हो। दोस्तों स्वार्थ कभी नहीं आना चाहिए अपनी लाइफ में, एकदम निस्वार्थ ईश्वर की भक्ति करो। अगर आपको भक्ति ही करनी है ना तो एकदम निस्वार्थ करो, प्रभु की भक्ति एकदम निस्वार्थ होनी चाहिए। किसी की सहायता ही करते हो ना, अहंकार से मत करो, एकदम निस्वार्थ करो, उसमें तुम्हारा कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त, ये मैं आशीष पटेल एक क्रिएटर का अपना विचार था जो आपके साथ शेयर किया। अगर आप मेरे विचार सहमत हो या नहीं सहमत हो तो आप अपना राय कमेंट में हमें दे सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। आप मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त जो आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा।